दोस्तों आज हम देखेंगे टोटल बॉडी क्लीनिंग प्रोसीजर। सबसे पहले हमको एयर फिल्टर कवर निकालना है। उसके बाद हमें एयर फिल्टर को निकालना है अलोंग विद द फ्लेम अरेस्टर। अब हम टूल के अंदर लाइन ऑयल डाल रहे हैं, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली 100 ml टू 120 ml लाइन ऑयल इसके अंदर बैठेगा। अभी लाइन ऑयल हमने डालने के बाद उसका ऊपर का कवर जो टॉप कैप है उसे हमें क्लोज करना है। सबसे पहले हमने यस टाइप टूल प्रोवाइड किया था, बट बिकॉज ऑफ द इजी एक्सेसिबिलिटी अब हम इस टूल को रिप्लेस करके फ्लेक्सिबल टाइप दे रहे हैं। ये आपका फ्लेक्सिबल पाइप है, जो नोजल है वो फ्लेक्सिबल में आता है, तो इसके वजह से ये बहुत ही इजी एक्सेसिबल होता है। और यहां पे हमें नोजल को एयर इनटेक के डक्ट के अंदर इंसर्ट करना है और अप्रोक्सीमेटली टोटल बॉडी से लगभग 50 मिलीमीटर उसको दूर पे रखना है। जो मिनिमम डिस्टेंस है नोजल का टिप और टोटल बॉडी का एंट्रेंस, उसमें 50 मिलीमीटर का मिनिमम डिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। उसके बाद इंजन को स्टार्ट करना है और लगभग 4000 आरपीएम तक रेव अप करना है। नॉब को स्टार्ट करना है ताकि दो बार का प्रेशर स्टार्ट हो सके। और ये लगभग आपको 1 मिनट तक कंटिन्यू इंजन को स्टार्ट रखना है। टाइम होने के बाद नॉब को बंद करना है। और अगले 30 सेकंड के लिए इंजन को आइडल पे रखना है। आफ्टर 30 सेकंड के बाद फिर से नॉब को स्टार्ट करना है और उसी टाइम इंजन आरपीएम 4000 आरपीएम तक रेव अप करना है। यही प्रोसेस हमें 3 बार करनी है। यहां पे ये लगभग प्रोसेस टोटल बॉडी क्लीनिंग करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 मिनट लगते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जहां पे कस्टमर हमें बोल रहा है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यू है, वहीं पे हमें टोटल बॉडी क्लीनिंग करनी है, ना कि जब कोड आ जाए।